जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य देव के रथ में स्थित और भगवान विष्णु की शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुनि, यह नहीं बतलाया कि सूर्य देव का क्या कार्य है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर प्रभु सूर्य का क्या प्रयोजन है, और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि भगवान सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य देव सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय त्रक यजुः साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रय ही सूर्य देव को ताप प्रदान करती है, और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे त्रक यजुः और साम रूप भगवान विष्णु सूर्य देव के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होते हैं, उसी उसी में वह वेद त्रय रूपिणी भगवान विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में त्रक, मध्यान्ह में बृहद्रथ अंतरादि यजुः तथा सायंकाल में साम श्रुतियां भगवान सूर्य की स्तुति करती हैं। यह त्रक यजुः साम स्वरूपिणी वेद त्रय भगवान विष्णु का ही अंग है। यह भगवान विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य देव की ही अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयमयी ही हैं। सर्व के आदि में भगवान ब्रह्मा त्रंगमयी हैं, उनकी स्थिति के समय भगवान विष्णु यजुर्मयी हैं, तथा अंतकाल में रुद्र साममय हैं। इसीलिए साम गान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमय सात्विकी की वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्यों में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं, और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं, तथा बालखिल्य आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रय शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना कभी अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये सात प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति भगवान सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती, और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य देव के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उनकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। भगवान सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है, और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर दो कला युक्त चंद्रमा का पुत्रगण पान करते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य देव द्वारा पुत्रगण का तर्पण होता है।
सूर्य देव अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचते हैं उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देते हैं। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव मनुष्य और पुत्रगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय जी, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों के नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।